किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात मंत्र शक्ति से प्राण शक्ति का संचार, उस देवी या देवता का आवाहन जो मूर्ति में प्रतिष्ठित होते हैं और खुलते हैं उनके नेत्र। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्ष गुह। तो प्राण प्रतिष्ठा एक पौराणिक और शास्त्रीय विधान है और अयोध्या में श्री राम मंदिर में इसी का होने वाला है अनुष्ठान। नमस्कार, श्री राम मंदिर के इस भाग में हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्राणवान हो उठेंगे रामलला। उसकी दिव्य आभा से संपूर्ण परिवेश धनात्मक शक्ति से परिपूर्ण होगा। मंदिर परिसर में आते ही होगी दिव्यता की गहन अनुभूति और जुड़ जाएगा दैवी शक्ति से संबंध। रामलला की तीन मूर्तियां तीन स्थानों पर गुप्त रूप से बनी। इनके निर्माता है कर्नाटक के गणेश भट्ट, राजस्थान के सत्यनारायण पांडेय और मैसूर के अरुण योगिराज। सौंदर्य, आकर्षण, जीवंतता, छवि की अनुरूपता और विशिष्टता के आधार पर अरुण योगिराज द्वारा निर्मित रामलला गर्भगृह में स्थापना के लिए चयनित हुई। नव निर्मित श्री राम मंदिर में विराजमान होने के पूर्व विशेष रथ पर सवार श्री रामलला को उनकी जन्मभूमि अयोध्या के पंचकोसी क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा। झांकियां सजाई जाएंगी, गीत और भजन के स्वर गूंजेंगे, रामलला पर जगह जगह पुष्प वर्षा होगी। नगर भ्रमण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा पूजन का शुभारंभ गणेश पूजन से होगा। यज्ञ मंडप में समस्त देवों का पूजन आवाहन होगा, फिर प्रकट होगी यज्ञ की अग्नि और यज्ञ हवन का आरंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान अखंड चलते रहेंगे। 20 जनवरी के प्रातःकालीन बेला में सरयू के जल से गर्भगृह को पवित्र करने के साथ वास्तु शांति की पूजा होगी। अगले दिन देश दुनिया से आए विभिन्न नदियों के जल से श्री राम लला का अभिषेक होगा। इन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कराएंगे 121 आचार्य और फिर 22 जनवरी को अभिजित मुहूर्त में नव निर्मित गर्भगृह में राम लला को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गर्भगृह में केवल 5 यजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और आचार्य जी जो कि इस अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। कमलासन पर विराजमान राम लला के हाथ में होगा धनुष बाण। 51 इंच के हैं 5 वर्षीय राम लला। प्रातःकालीन सूर्य के किरणें उनका अभिषेक करेंगे और शंख और घंटे घड़ियाल के स्वरों से गूंज उठेगा संपूर्ण भारत। प्रातःकालीन सूर्य रश्मियों को रामलला तक पहुंचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने गर्भगृह में एक विशेष उपकरण लगाया है। व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि प्रतिदिन लगभग 1,00,000 भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात चैतन्य होंगे रामलला और जीवंत होगी पूरी अयोध्या। पर्व त्योहारों पर जगमगा उठेगा मंदिर परिसर। मंदिर दीर्घा में राम कथा के प्रसंगों की झांकियां सजेंगी। आज की अयोध्या ऐतिहासिक अयोध्या से कुछ कम नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दृश्य भी अत्यंत मनभावन होंगे। इसके लिए बने हैं 2 मंडप और 9 हवन कुंड। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कराएंगे काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। देश भर से अलग अलग शाखा के 121 पंडित उनके साथ होंगे। इसमें काशी से लगभग 40 विद्वान हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजन उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के हजारों महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में देश के लगभग 4,000 संत शामिल होंगे।
मंदिर प्रांगण में दोपहर 2 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसके बाद बंद कर दिए जाएंगे श्री राम मंदिर के पट। पूरी अयोध्या भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के रंग में रंग गई है। हर ओर व्याप्त है हर्ष और उल्लास। भगवान के ससुराल जनकपुर में लोगों के उत्साह का कहना ही क्या। श्री राम के स्वागत में ससुराल से विशेष उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। आनंद विभोर जनकपुर वासी फल मिष्ठान सोना चांदी वस्त्र और बहुत कुछ कुल 1100 थालों में सजा कर लाए हैं। रामलला के मंदिर में अखंड ज्योति और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध घी आया है। भक्तों ने पूरे 600 किलो घी 108 कलशों में भरकर पहुंचाया है। ये घी पिछले 9 वर्षों से इकट्ठा किया जा रहा था। इसी घी से होगी श्री राम लला की पहली आरती। उसके साथ साथ भगवान के यज्ञ के भोग में आहुति एवं स्नान पंचगव्य और पंचामृत आदि में इसका प्रयोग होगा। धूप दीप की व्यवस्था भी असाधारण हुई। कुल 108 फुट लंबी अगरबत्ती बड़ौदा से अयोध्या आई तो 1100 किलो का 9.25 फुट लंबा दीपक अयोध्या पहुंचा। इस अद्भुत अगरबत्ती को बनाने वाले भीगा भाई भरवाड़ का मानना है कि इसकी सुवास से सुवासित होगी पूरी अयोध्या। इसी प्रकार घुंघरों की नगरी एटा के जलेसर में श्री राम मंदिर के लिए बनाया गया लगभग 2400 किलोग्राम का विशाल घंटा। तो श्री राम लला आ रहे हैं और प्रतिष्ठित हो रही है उनकी नई मूर्ति। इसे अचल मूर्ति कहा जाएगा। पुरानी मूर्ति होगी उत्सव मूर्ति। उत्सव मूर्ति श्री राम से जुड़े सभी उत्सवों में विराजमान होगी। गर्भगृह में प्रतिष्ठित राम लला भक्तों के दर्शन के लिए विराजमान रहेंगे। तो अब त्रेता युग की अयोध्या नए रूप में अवतरित हुई है। श्री राम के दर्शन के लिए वर्षों से तपस्या में बैठी शबरी के भाग्य जागे थे और साक्षात अपने भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जन जन की प्रतीक्षा अब पूरी हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त अपने आराध्य के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह में विराजमान राम लला है ही ऐसे। लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे, अभी खोलेंगे अपना मुख और दिखा देंगे संपूर्ण सृष्टि। तो चलिए हम भी श्री राम लला के दर्शन करें और अपना आत्मबल बढ़ाएं, श्री राम की शक्ति पाएं। जय श्री राम।